गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय बिरेंद्र। मैथमेटिक्स में जो है क्लास में आठ क्लास एट का मैथमेटिक्स में जो है मैं चैप्टर वन जो रेशनल नंबर के बता रहा हूँ बच्चों। बच्चों यह आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। अब देखिए एक्सरसाइज वन जी है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे द कॉस्ट ऑफ थ्री होल 1/2 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज ₹166 होल 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, यह हम दिया हुआ है बच्चों। ध्यान दीजिए कि थ्री होल 1/2 मीटर कपड़े का जो है मूल जो है ₹166 होल 1/4 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको टोटल कॉस्ट में जो है थ्री होल 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यानी कॉस्ट ऑफ थ्री होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इजकल टू ₹166 1/4। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्लॉथ इजकल टू ₹166 होल 1/4 डिवाइडेड बाई थ्री होल 1/2। 665/4 डिवाइडेड बाई 7/2 यानी हमारे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना होगा, अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना होता है, 95 होगा। अब 2 से 4 को करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो यानी 95/2 यानी ₹47 होल 1/2 मीटर जो है 1 मीटर कॉस्ट का, 1 मीटर जो है कपड़े का मूल्य होगा। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ द बुक 40 पेज आर लेफ्ट। मैंने 7/9 बुक का जो है 7/9 पार्ट पढ़ने के बाद हमारा 40 पेज जो है पढ़ने के लिए लेफ्ट हो जाता है। हाउ मेनी पेजेज आर देन इन द बुक। द आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ द बुक 40 पेज आर लेफ्ट। हाउ मेनी पेजेज आर देयर इन द बुक। लेफ्ट द, यह माने क्या, लेट द नंबर ऑफ पेजेज इन ए बुक बी एक्स। नंबर ऑफ पेजेज व्हिच इज रीड, मैंने कितना बुक ने पढ़ा गया है। द 7/9 इंटू एक्स कर देंगे तो यानी 7/9 x/9 यानी इतना पेज हमने पढ़ लिया। अब बच्चे का कितना पेज, नंबर ऑफ पेजेज लेफ्ट फॉर रीडिंग कितना बचा, x-7 x/9 कर देंगे तो कितना 2 x/9। एक कितना आपका दिया 40 पेज लेफ्ट हो जाता है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 2 x/9 हो जाएगा। यानी 2 x = 40 × 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा हो जाता है, तो एक्स बराबर के तो 40 × 9/2 करेंगे तो यानी इसको कितना, 2 से कट जाएगा 20 होगा, 20 × 9 करेंगे तो 180 पेज यानी नंबर ऑफ पेज इन द बुक इज इक्वल टू कितना, 180 पेज हो जाएंगे। तो बच्चों इसको समझ गए अच्छी तरह समझ गए। अब हम चलते हैं देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर। द एरिया ऑफ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर। इफ द ब्रेथ इज 5 होल 7/16 मीटर व्हाट इज द लेंथ। अब बच्चों यहाँ देखिए एक रूम है जिसका जो एरिया हमारा दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल दिया हुआ, दिया कितना हुआ 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर है। इफ द ब्रेथ इज 5 होल 7/6 मीटर व्हाट इज द लेंथ, यह आपका दिया हुआ है। तो यानी एरिया हमारा कितना दिया है रूम का 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ आपका दिया कितना 5 होल 7/6 मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आप जानते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ कर देंगे। यानी 65 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 5 होल 7/16। अगर इसको करते हैं तो हमारे क्या होता है, इस सबको जो है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। उस पर जो डिवाइड का जो आपका रूल्स है उसको आपको करना होगा। यानी यहाँ उलट देंगे, मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ कितना 16 ऊपर जाएगा, 87 नीचे। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना हो, 3 × 4 हो जाते हैं यानी 12 मीटर आपका होगा। यानी लेंथ हमारा कितना हो गया, 12 मीटर। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इफ 3/6 ऑफ द नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44। माने एक नंबर है जिसका 3/6, उस नंबर का अगर निकालते हैं वह अधिक होता है 2/7, उसी नंबर के 2/7 से कितना 44 के द्वारा। तो
तो फाइंड द नंबर निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, लेट द नंबर भी एक्स मान लेंगे, थ्री बाई सिक्स ऑफ नंबर हमारा कितना हो जाएंगे, थ्री एक्स बाई सिक्स हो जाएगा, टू बाई सेवन ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स बाई सेवन, ये दोनों जो है हमें से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको बच्चों, 44, क्योंकि एक सीट्स है। तो यहाँ कितना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम 42 हो जाएगा, 21 एक्स माइनस 18 इक्वल टू 44 हो जाएगा, थ्री एक्स बाई 18 इक्वल टू 44 हो जाएंगे। अब यहाँ 3 बाई 18 यहाँ डिवाइड है, इधर जाएगी क्या इधर जो है एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवीजन हो जाए, यानी 44 डिवाइडेड बाई 3 बाई 8, यानी 44 इंटू हो जाएंगे 18 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 44 इंटू 18, 44 इंटू 18 बाई 3 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 264 हो जाए। तो बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे 20 नंबर, 20 एक क्रिकेटर क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स वेयर वेयर इन ए कोवर्ट प्लेस, कहते वेयर इन द कोवर्ट प्लेस व्हाइल 15,000 वेयर इन द ओपन प्लेस। तो इसमें हमको कैसे करना है, तो बच्चों यहाँ समझ जाइएगा, मैंने एक क्रिएट एक स्पेक्टर मैंने देख दर्शक है, मैंने एक क्रिकेट जो मैदान है उसमें क्रिकेट के खेल और उसका दर्शक कितना है 2/7 जो है हमारे कोवर प्लेस मैंने सेट में है, और 15,000 वेयर इन द ओपन प्लेस है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे नंबर ऑफ एक्सपेक्टर को जो है मान लेंगे कि एक्स है, फिर एक्स ऑफ 2/7 निकालेंगे, यानी 2x/7 हो जाएगा, फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 2x/7 प्लस 15,000 इक्वल टू एक्स आप कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन आप निकालेंगे तो आपका जो है एक्स का जो वैल्यू आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो बच्चों आपका जो आज रेशनल नंबर जो है आपका आज क्लास समाप्त हुआ इस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों का शुरू करूंगा एक्सपोनेंट, इसलिए आप लोग कुछ इसके बारे में पढ़ के रखेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सपोनेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके थैंक्स।